राहुल गांधी ने पूरी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया और कहा कि पूरी परीक्षा प्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करना सरासर गलत है। इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, अभी पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का भी बचाव किया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक in last 7 years, in any numbers. So there are incidents already. This case right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out, every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all facts and records. अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए की तरफ से या एनटीए के बचाव में बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि एनटीए ने इससे पहले कई सारे एग्जाम्स करवाए हैं जो सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं, इस बार गड़बड़ी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। अखिलेश यादव नीट पेपर लीक को लेकर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी सरकार पर जोरदार अटैक कर दिया। अखिलेश ने पेपर लीक के लिए सीधे सीधे शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश ने पूछा कि क्या सरकार टॉपर छात्रों वाले सेंटर की लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि एक सेंटर से 2000 से ज्यादा छात्र कैसे पास हो गए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे, लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को।